हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि सेंगर, मैं चैनल यूट्यूबर एक्स की ट्रिकी टेक एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही प्यारी टेक न्यूज जो आपके लिए अच्छी लगेंगी। आइए चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं और जानते हो टेक न्यूज को। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट अपडेट आता है हमारे पास सैमसंग की तरफ से। फ्रेंड्स, सैमसंग के जो स्मार्टफोन आने वाले थे एम सीरीज के, हमारे पास एम टेन के करीब जो कि लॉन्च होने वाले हैं 28 जनवरी को, आपको देखने को मिल सकते हैं 3 ऐसे स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से एम सीरीज के, जिसमें हो सकता है एम टेन, एम ट्वेंटी और अपने पास थर्ड स्मार्टफोन देख सकते हैं एम सीरीज का कौन सा आता है। तो उसमें हमारे लिए एम टेन की जो लीक आती है कुछ हमारे लिए एम टेन के फीचर्स की, तो उसमें पता चलता है कि आपके लिए सैमसंग का एक्जोनॉस का 7872 का प्रोसेसर मिल सकता है आपके लिए। बैक में आपके लिए डुअल कैमरा सपोर्ट मिलता है, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिल सकता है बैक में, और फ्रंट में आपके लिए नॉच मिल सकती है जिसमें लगा होगा आपके लिए सेल्फी कैमरा। पूरी डिटेल्स देख रहे होंगे, 6.2 इंचेस का आपके लिए डिस्प्ले मिलता है आपके लिए इसमें, और 3.5 mm का जैक भी मिल सकता है आपके लिए, और 3800 mAh की करीब की बैटरी बैकअप मिल सकता है आपके लिए इस स्मार्टफोन में, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो भी हमारे लिए सैमसंग की तरफ से आता है, जो सैमसंग का 20 फरवरी को सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज और फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो उसमें जो सैमसंग गैलेक्सी का S10 आने वाला है, उसमें पता चलता है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वो आपका एक स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद काम नहीं कर रहा है, मतलब कि स्कैनिंग नहीं कर पा रहा है। उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सिक्योर है वो फिंगरप्रिंट सेंसर, इस वजह से वो वर्क नहीं करता है आपके लिए टेम्पर लगाने के बाद। अब फ्रेंड्स देखते हैं, हमारे लिए अब तो आदत पड़ चुकी है, जब भी अपन स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें गार्ड ये कवर वगैरह लगाते ही हैं अपन। अब देखते हैं क्या इसके आगे हमारे लिए लीक आती है, कैसे हम अपने मोबाइल को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं गिरने फूटने वगैरह से। अब देखते हैं क्या होता है सैमसंग गैलेक्सी S10 के साथ। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास टेंसेंट गेम्स की तरफ से, जो कि टेंसेंट गेम्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका आपके लिए पबजी गेम मिल जाता है। पबजी एक बहुत ही अच्छा गेम है, तो इसमें पता चलता है जो कि पबजी क्रिएटर है उनकी तरफ से एक और बड़ा गेम आ सकता है, गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब कि जो एक सीजन था आपके लिए उसका अब एक गेम देखने को मिल सकता है, जो कि अब देखते हैं कैसे मार्केट को कवर करता है। पबजी एक बहुत बड़ा गेम बन चुका है और 2018-2017 के करीब ये लॉन्च हुआ था, और बहुत सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं, सारे ही गेम्स में नंबर वन पे आ चुका है पबजी मोबाइल। अब देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स कितना मार्केट कवर करता है, कितने लोग इसको पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास अमेजॉन की तरफ से, जो कि अमेजॉन का इको इनपुट था आपके लिए जो देखने को मिलता था आपके लिए। मान लीजिए एक कोई स्पीकर है आपके लिए सोनी वगैरह का जिसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट है, तो आप उसको भी एक स्मार्ट स्पीकर बना सकते हैं, मतलब कि अमेजॉन इको इनपुट को वहां पर सपोर्ट में लगाकर आप उसको भी वॉइस कमांड के माध्यम से चला सकते हैं। आप चाहें तो अपने वॉइस कमांड से उस स्पीकर की आवाज कम ज्यादा, सॉन्ग चेंज वगैरह सारे ही कमांड देकर अपना वर्क डन कर सकते हो, जो कि आज हमारे लिए इंडिया में अब अवेलेबल हो चुका है। आप जाकर इसको ले सकते हैं, इसकी प्राइस आपके लिए देखने को मिल जाएगी 3000 रुपीज, मतलब कि 2999 रुपीज प्राइस है ये आपको देखने को मिल जाएगा अमेजॉन इको इनपुट, जिससे आप अपने स्पीकर्स को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं स्मार्ट स्पीकर में। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास एप्पल की तरफ से, जैसे कि सैमसंग हमारे लिए फोल्डेबल स्मार्टफोन ला सकता है 20 फरवरी को आपके लिए, जिसका नेम हो सकता है गैलेक्सी एफ करके। इसके बाद एप्पल भी कुछ ऐसा सोच रहा है फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में, ऐसा अप्रोच आता है कि सन 2020 तक आपके लिए एप्पल की तरफ से भी एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे लिए एप्पल क्या खास लाता है अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ। उसमें तो अभी बहुत टाइम है, तब तक हमारे लिए आईफोन 2019 आते हैं जो हमारे लिए, उसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स आते हैं, उसके बाद एप्पल के फोल्डेबल स्मार्टफोन भी हम लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। ऐसी लीक आती है हमारे लिए, 2018 में इंडिया ने फर्स्ट नंबर पा चुका है जो गूगल प्ले पर एप्स डाउनलोडिंग में। फ्रेंड्स, मतलब कि गूगल प्ले से इतने ऐप डाउनलोड करे गए हैं कि इंडिया नंबर वन बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, जिस कंट्री से सबसे ज्यादा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किए गए। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्राजील आता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारे लिए यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि फर्स्ट नंबर हमारे लिए बनाता है इंडिया। फ्रेंड्स, इसके बाद यही थे आज की टेक न्यूज़। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, बिकॉज मैं आपके लिए वहां पर भी डेली टेक न्यूज अपलोड करता हूं। फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं पर किसी नई वीडियो में।